भारत माता की जय साथ में बोलने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आज हम चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि आईपीएल की मोस्ट कंसिस्टेंट टीम मानी जाती है, उसके प्लेइंग 11 के बेस्ट प्रोबेबल जो प्लेइंग 11 है या फिर उनके पूरे टीम के जो भी प्लेयर्स इस बार आईपीएल 2023 के 16वें संस्करण में जो खेल रहे हैं उनके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करने हैं। तो अगर आप इस टीम को देखोगे तो टीम के कैप्टन नो डाउट, जब से आईपीएल टीम चेन्नई आईपीएल जो सीएसके की टीम बनी है तब से देखो कि हमेशा जो कप्तानी है वो महेंद्र सिंह धोनी ने ही की है। पिछले सीजन में कुछ मैचों में जो उन्होंने अपनी कप्तानी शिफ्ट की थी इनको रविंद्र जडेजा को, उसके बाद से फिर से वो ऑलरेडी एज यूजल महेंद्र सिंह धोनी ही कप्तान है। इस टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अगर हम प्लेइंग मोस्ट बेस्ट जो प्लेइंग 11 है उसकी अगर बात करें तो उससे पहले हम अगर देख लेते हैं कि कौन से जो बेस्ट प्लेइंग 11 होने चाहिए, तो उसमें ऋतु राज गायकवाड जो कि मेरे हिसाब से ओपनर होने चाहिए, उनके साथ डीवन कॉनवे जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जो बहुत ही तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं, तीसरे नंबर पे अंबाइती राइडू और चौथे नंबर पे मोइन अली, पांचवें नंबर पे शिवम दुबे को मौका मिल सकता है, छठे नंबर पे MS धोनी जो खुद आएंगे, सातवें नंबर पे रविंद्र जडेजा का नंबर आता है, आठवें नंबर पर मिचेल सैंटरन को आना चाहिए, नौवें नंबर पर प्रिटोरियस है और दसवें नंबर पे है दीपक चहर और ग्यारहवें नंबर पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि किसी अनकैप्ड प्लेयर को महेंद्र सिंह धोनी मौका देंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की आदत है कि वो नए प्लेयर्स को मौका देते हैं और उनके खेल को और भी ज्यादा निखारते हैं। तो इसलिए चांसेस है कि अभी जो ये आईपीएल का सीजन होने वाला है, इस सीजन में जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यही प्लेयर मोस्ट प्रोबेबल होने चाहिए उनके प्लेइंग 11 में। उनके बाकी कुछ प्लेयर्स के ऊपर अगर हम नोटिस करें, ध्यान दें, तो जो उनके जो बाकी प्लेयर हैं, जैसे कि जो आउट ऑफ जो इस प्लेइंग 11 में भी हैं और जो शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो हम वन बाई वन करके हर प्लेयर का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे शॉर्ट में। सेम जरूरत है ही नहीं, उन्होंने कुल 234 मैच भी खेले हैं और 4978 मतलब 4978 रन, बहुत बड़ा रन होता है। ये सिर्फ एज अ अच्छे बैट्समैन ही नहीं है टीम के लिए, बल्कि टीम के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनका कि इनकी कप्तानी है। इसके बाद डिवेन कॉनवे आते हैं जिनको आईपीएल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये एज अ ओपनर खेलते हैं तो इसलिए चांसेस है कि ये ओपनिंग ही करेंगे, और इनके साथ जो कि आईपीएल के मोस्ट कंसिस्टेंट ओपनर माने जाते हैं सीएसके के लिए, वो है ऋतुराज गायकवाड, जिन्होंने 36 मैचों में 1207 रन बनाए हैं। तो इसलिए जो ऋतुराज गायकवाड और डेविन कॉनवे ही ओपनर हो सकते हैं। मोइन अली को इस टीम में जगह मिलेगा, क्योंकि मोइन अली ऑलरेडी वो बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में कंसिडर किए जाते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म बॉलर है। इनका जो अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप देखो तो 44 मैचों में 910 रन बनाए हैं और 24 विकेट लिए हैं, इसलिए मोइन अली एक मोस्ट प्रोबेबल प्लेयर इनके टीम में होंगे। मिचेल सैंटनर एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर कंसिडर किए जाते हैं, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर हैं, थोड़ा स्लो करते हैं और ये जरूरत पे बैटिंग भी कर लेते हैं, इसलिए इनका खेला जाना ऑलमोस्ट निश्चिंत माना जा रहा है। प्रिटोरियस ये एक बॉलिंग ऑलराउंडर कंसिडर किए जाते हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आईपीएल के नज़रिए से, लेकिन अगर आप देखोगे कि इनको खिलाया जाए तो डेफिनेटली ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं जो कि काफ़ी अच्छा योगदान दे सकते हैं। रविंद्र जडेजा, देयर इज नो डाउट अबाउट द सर जडेजा, जो कि एक ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर हैं, 210 मैचों में इन्होंने 2502 रन मतलब 2502 रन और 132 विकेट लिए, ये कंप्लीट ऑलराउंडर के रूप में अपने टीम में भूमिका अदा करते दिखेंगे। अंबाती राइडू जो मिडिल ऑर्डर में खेलने को आते हैं, ये एज अ विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन अगर धोनी ऑलरेडी टीम में मौजूद हैं तो विकेट कीपिंग की जरूरत होती नहीं है किसी और को करने की। इनका ट्रैक रिकॉर्ड 188 मैचों में 4190 रन इन्होंने बनाए हैं। इसके बाद अगर आप जो और प्लेइंग 11 की बात करोगे तो उसमें जो आते हैं वो हैं शिवम दुबे, जिनको मौका मिल सकता है, वो ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी करते हैं, लेफ्ट हैंड हैंडेड बैट्समैन हैं, बहुत स्टाइलिश शॉट खेलते हैं। पहले इनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये युवराज सिंह
फोटोकॉपी लगते हैं खेलने में। सही में कुछ कुछ शॉट छक्का वगैरह मारते हैं देखने में लगता है, लेकिन युवराज सिंह बहुत बड़ी बात है, मतलब कि अभी तुलना करना सही नहीं रहेगा। तो शिवम दुबे जिन्होंने 35 मैच खेले, जिन्होंने 688 रन बनाए हैं और 4 विकेट लिए हैं। उसके बाद जो चेन्नई के लिए मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर कंसिडर किए जा रहे हैं वो है दीपक चहर, जिन्होंने 63 मैचों में 59 विकेट ली हैं, और ये मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे मैच में हमको दिखेंगे। बस इनके साथ प्रॉब्लम है कि इनकी फिटनेस का, क्योंकि इनको बैक में थोड़े इश्यूज थे, अगर वो रिकवरी हो जाती है तो डेफिनेटली ये हमें दिखेंगे। मुकेश चौधरी जो जिनका सिलेक्शन हुआ था इस बार आईपीएल में, बहुत ही चर्चा में रहे हैं, लेकिन उनके साथ शायद इशू है कि उन्हें कुछ इंजरी का कुछ इशू आया है, तो अभी तक हम श्योर नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो अनकैप्ड प्लेयर में मुकेश चौधरी हो सकते हैं, या फिर भारत की तरफ से प्रशांत सोलंकी हो सकते हैं, या सिमरजीत सिंह को मौका मिल सकता है। ये सारे प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिल सकता है, या फिर तुषार देशपांडे हैं। तो इस ढंग से ये टीम का अगर कॉम्बिनेशन देखोगे तो कॉम्बिनेशन कुछ सीनियर्स प्लेयर्स और बहुत सारे अनकैप्ड प्लेयर भी मिलाकर ये टीम बनी है। धोनी ऐसे भी अपनी कप्तानी के लिए जाने जाते हैं, किसी भी प्लेयर से कैसे बेस्ट निकलवाना है ये किसी को धोनी से सीखना होगा। तो इसलिए एज अ चेन्नई सुपर किंग के तो आई एम ऑल्सो हार्ट फैन हूं मैं, चूंकि मैं भी रांची से हूं, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक दो दिन में कि धोनी जो है, महेंद्र सिंह धोनी, उनका घर बस हमारे घर से ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर करें, तो वो हमारे पड़ोसी भी हैं एक तरह से, हमारे शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, और शहर छोड़ो वो तो इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बींग अ धोनी फैन, बींग अ सीएसके फैन, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अभी तक हमने 4 बार आईपीएल जीता है, अभी तक 9 बार फाइनल खेली है ये टीम, तो सोचो अगर वो 5 बार और जीत गया तो 9 बार हो जाता, लेकिन हर बार जीते टीम ऐसी तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन हाँ फाइनल तक तो हम पहुंच रहे हैं, मतलब अच्छा खेल रहे हैं। तो हम होप करते हैं कि इस बार का आईपीएल भी हमारी टीम जीतेगी और चेन्नई सुपर किंग्स इस आईपीएल को जीतेगी, क्योंकि टीम में कॉम्बिनेशन अगर आप पेपर और टीम को सबसे ज्यादा परफेक्ट बना देता है धोनी की कप्तानी, रविंद्र जडेजा की ऑलराउंडर उनका रोल, मोइन अली एज अ ऑलराउंडर, शिवम दुबे एज अ ऑलराउंडर, फिर आप देखोगे मिचेल सैंटनर एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तो इस टीम में ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं। ओपनर जो ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, डेवन कॉनवे हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस है कि वो 23 रन बनाएंगे और अच्छा खेलेंगे। अंबाती रायडू मिडिल ऑर्डर के लिए हैं, मोइन अली एक परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। इस तरह टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बींग सीएसके फैन, हम होप करते हैं कि हमारी टीम ये मैच, ये सीरीज जीते, ये आईपीएल का संस्करण जीते। तो प्लीज आप अपना ख्याल रखिए, और इतना ही सीएसके के बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सीएसके के बारे में ज्यादा बोलना मतलब कि सूर्य को दिया दिखाने की तरह हो गया। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी टीम जीते, और आप हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज आप हमसे जुड़े रहिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करता है। सो थैंक यू और हैव अ गुड डे, आप अपना ख्याल रखिए।